अगर आपका किसी भी कस्टमर का पेंशन आना बंद हो गया है, पेंशन रुक गया है, किसी भी तरह का पेंशन में इशू आ गया है, या कोई भी फॉल्ट हो गया है, आपका जो पेमेंट है पीएमएस से रिजेक्ट हो गया है, किसी भी तरह का पेंशन की दिक्कत है, परेशानी है, तो आप ऑनलाइन उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। मात्र आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक कंप्लीट देखना है। ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आपका पेंशन रुक गया है या आपका पेमेंट जो बैंक मतलब पीएमएस से रिजेक्ट हो गया है, पेंशन की कोई भी किसी भी तरह का परेशानी हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफी है। ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको पेंशन की हर तरह की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं, पेंशन अगर आपका नहीं आ रहा है, पेंशन बंद हो गया, पेंशन का अमाउंट जो है पीएमएस से रिजेक्ट हो गया, जो भी कारण है पेंशन का पेमेंट नहीं आ रहा है, तो आज की इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा शुरू से अंत तक, तो आप बिल्कुल बारीकी से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले गुजारिश करेंगे, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सटीक जानकारी और कंप्लीट जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो चलिए उसके लिए आपको गूगल पे जाना है, किसी भी ब्राउजर में जाना है, और वहां पे सर्च बॉक्स में आपको लिखना है ई लाभार्थी। जैसे आप सर्च बॉक्स में ई लाभार्थी लिखेंगे, आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली से आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे भी इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, वेबसाइट कुछ इस तरह देखने को मिलेगी। नंबर वन पे ही आपको मिलेगा ई लाभार्थी फॉर बलोग डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट लॉगिन। सिंपली से आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, वेबसाइट कुछ इस तरह आपके सामने दिखने को मिलेगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे ये एक ऑप्शन मिल जाएगा ग्रीवेंस, आपको सिंपली से इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपको पहले ऑप्शन पे मिल जाएगा सबमिट, तो आपको सबमिट वाले एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएंगे। ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएंगे। चलिए हम फॉर्म को देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले पूछ रहा है कि आपको कौन सा पेंशन मिलता है, बिहार स्टेट डिसेबिलिटी पेंशन, इंदिरा गांधी डिसेबिलिटी पेंशन, इंदिरा गांधी ओल्ड पेंशन, कौन किस तरह के पेंशन आपको मिलता है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट, आप क्या बेनिफिशरी, आप खुद बेनिफिशरी तो यस करेंगे। आप कौन से जिले से हैं, मतलब बेनिफिशरी टाइप, बेनिफिशरी आईडी, एप्लीकेशन आईडी, कोई भी डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे। चलिए बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, या बेनिफिशरी आईडी डालेंगे उसकी डिटेल यहाँ पे डालना होगा। मतलब अपनी जो आप पहचान है किससे दर्शाना चाहते हैं, बेनिफिशरी आईडी से या अकाउंट डिटेल से। जैसे अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालेंगे, नाम डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, जिला सेलेक्ट करने यहाँ पे अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका ब्लॉक है, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप सेलेक्ट करना है, क्या आपको इशू है, बेनिफिशरी स्टेटस या पेमेंट इशू है, क्या इशू वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसको सब इशू में पेमेंट आपका पेंडिंग है, पेमेंट आपका स्टॉप हो चुका है, पेमेंट डन बाय रिजेक्ट यूटीआई, पेमेंट डन हो गया बट यूटीआर से रिजेक्ट हो गया, या पेमेंट आपका आना बंद हो गया, पेमेंट आपका पेंडिंग है अभी तक नहीं आया है, जो भी इशू आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर कोई इशू है तो आप यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो अब अदर इशू आपको यहाँ पे आपको दिखेगा, डिलेट पेंशन, स्टॉप पेंशन, बहुत सारे आपको यहाँ पे पेंशन की भी डिटेल मिल जाएगी। बेनिफिशरी रिलेटेड कोई कंप्लेन है तो आप बेनिफिशरी सेलेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट रिलेटेड कोई कंप्लेन है तो आप यहाँ पे पेमेंट रिलेटेड कंप्लेन सेलेक्ट करें। जैसे कि पेमेंट पेंडिंग है वो हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप कंप्लेन जो किसके करना चाहते, ब्लॉक को करना चाहते हैं, या जिला को करना चाहते हैं, या टेक्निकल टीम को करना चाहते हैं, या हेडक्वार्टर को करना चाहते वो लिखेंगे। यहाँ पे आप कंप्लेन लिखेंगे, क्या कंप्लेन, आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, आप जैसे कि आपका जो पेंशन पास हुआ था वो बिल होता है कागज डॉक्यूमेंट, वो अपलोड कर देंगे, आधार कार्ड अपलोड कर देंगे, पासबुक अपलोड कर देंगे, पीडीएफ बना के वो अपलोड करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपकी जो डिटेल है टीम के पास चले जाएगी, टीम वेरीफाई करके आपकी जो डिटेल है अपडेट कर देगी, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर देगी। तो इस तरह से आप अपना पेंशन की किसी भी तरह के प्रॉब्लम को, पेंशन नहीं आ रहा है या पेंशन पेंडिंग हो गया, पेमेंट रिजेक्ट हो गया, यूटीआर, जो भी प्रॉब्लम, आप यहाँ पे सिर्फ इस छोटे से माध्यम से कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे, आपको एक रेफरेंस नंबर दे दिया जाता है, उस रेफरेंस नंबर से अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए इसी पे आएंगे और यहाँ पे चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप चेक स्टेटस क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ग्रीवेंस नंबर, रेफरेंस नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वो नंबर डालेंगे, उसको सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका स्टेटस यहाँ पे दिखा देगा।
जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी और आपकी जो स्टेटस है वो यहाँ पे दिखा दी ओपन। अगर कुछ रिस्पॉन्स आता है तो वो आपको क्लोजिंग मार्क में यहाँ पे दिखा देता है। तो इस तरह अपना नाम सुधार कर सकते हैं या कोई भी चीज डिटेल, कोई भी डिटेल के लिए, किसी भी तरह के पेंशन की प्रॉब्लम के लिए आप एक एकमात्र सॉल्यूशन अपना सकते हैं। चाहे अकाउंट चेंज करना हो या किसी भी तरह का प्रॉब्लम के लिए आप इसका सहारा ले सकते हैं।